मेरी बहन ने जब भी किसी चीज की ख्वाहिश की है, मैंने उसे एक की जगह 10 लाख कर दी है। अब वो भाभी की जिद कर रही है। जानी, अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अब सूरज को ही देख लो, मई के महीने में बेचारे का क्या हाल है। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, कि तेरा हो जाऊं। इन पंक्तियों से लगता है भैया कभी जानबूझकर जूते खाने की फिराक में है। हे प्रभु, ये कैसा मजाक चल रहा है। लगवाया एसी है और चलाना गीजर पड़ रहा है। बाबू मोशाए, वैलेंटाइन डे पे गर्लफ्रेंड नहीं है तो उदास काहे होते हो। गांधी जयंती पर गांधी जी कौन सा होते हैं। भाइयों, गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली है और इधर गर्मी खुद छुट्टी पर चली गई। भैया, जब एक लड़की गर्लफ्रेंड बनती है तो जान हो जाती है, और जब वही लड़की एक बीवी बनती है तो जानलेवा हो जाती है। आजकल के मौसम को देखकर ऐसा लगता है कि सर्दी और बारिश ने गठबंधन कर लिया है और बेचारी गर्मी आफत में आ गई है। भाइयों, असली इंजीनियर तो पत्नियां होती हैं। कितना भी बिगड़ा हुआ पति मिल जाए, उसे लाइन पर ले ही आती हैं। भाइयों, बारिश हुई और जाते जाते कानों में कह गई, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। भाइयो, भाग्य का लिखा हम बदल नहीं सकते। जिन आलुओं को खरीदते हुए हम छांट कर अलग निकालते हैं, वही हमें पानी पूरी और समोसे में परोसे जाते हैं। तुम जो ये साल बदलते हुए देख रहे हो, मैंने ये पूरा साल लोगों को बदलते हुए देखा है। हैप्पी न्यू ईयर। जानी, कल हग डे है। रात को गुनगुने पानी से कायम चूर्ण लेकर सोए। आपकी एक गलती कहीं फिर से 1000 की बोतल 3000 में लेने के लिए मजबूर ना कर दे। इसलिए मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी का पालन कीजिए। अगर वो पत्थर दिल है तो हम भी छेनी हथौड़ा लेकर बैठे हैं, हम भी उसके दिल में जगह बना के रहेंगे। हाँ, हैप्पी वैलेंटाइन डे।